सोमवार से पूरे देश में 100 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 5 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। इस दौरान स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनका थर्मल स्कैनिंग की गई और उनके हाथ को सैनिटाइज करके उनके ट्रेनों की बोगी में बैठाया गया। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पहली ट्रेन गोरखधाम एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर उनके गंतव्य को जा रही है। चार्ट के अनुसार 732 यात्री यात्रा कर रहे हैं। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो। 2 ट्रेनों का संचालन स्टेशन से हुआ, पहली ट्रेन गोरखधाम और दूसरी LTT एक्सप्रेस रही। यात्रा करके सभी यात्रियों के चेहरे पर खुशी झलकी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यात्री शालिनी पांडे, चंदन कुमार यादव, धीरज कुमार वर्मा और पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, शालिनी पांडे यहाँ गोरखपुर में रहते हैं, गीता वाटिका के पास। कहाँ जाना है? दिल्ली। सरकार के द्वारा लॉकडाउन के बाद पहला दिन ट्रेन चलाई जा रही है। अच्छी व्यवस्था है। कितने दिन से आप यहाँ जाना चाह रहे थे?
हम लोग फरवरी से लॉकडाउन में, होली के बाद से। चंदन कुमार यादव सर, सर मैं दिल्ली का हूँ। सर देखिए, लॉकडाउन से काफ़ी लोगों को फ़ायदा है, सरकार को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है हम लोगों को, ताकि हमारी जो ज़िंदगी बची है से बचे हम लोग कोरोना के चलते। उन्होंने केंद्र सरकार ने गलत निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो भी किया उन्होंने केंद्र सरकार ने अच्छा किया। आज पहले चरण में, पाँचवें चरण में जो गाड़ियाँ खुल रही है उसके चलते आज फर्स्ट डे नहीं, पहला जून है, फर्स्ट आज दिल्ली जा रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। धीरज कुमार वर्मा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं करना, मुझे कहना जिसको ज़रूरी काम है जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही। अभी तक कितने यात्री आए हैं उसका डिटेल जब एक बार स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को मुहैया कराया जाएगा। आज पहली ट्रेन गोरखधाम एक्सप्रेस जा रही है, इसके लिए जो चार्ट के अनुसार 732 यात्रियों को आना है। फर्दर एग्जैक्टली क्या संख्या आता है फाइनल चार्ट आने के बाद आपको बताया जाएगा। मैं सभी से अपील करूँगा कि मास्क जो लगाकर लोग लगातार आ रहे हैं, जिसके लिए लगातार अपील जारी किया था हम लोगों ने, उसका पूरा अनुपालन देखने को मिल रहा है। सामाजिक दूरी लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए दो दो मीटर के अंतराल पर सर्कल बनाए गए हैं, डायरेक्शन बनाई गई है, सिंगल एंट्री एग्जिट का सिस्टम रखा गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, गेट संख्या 1 और 2 से एंट्री बनाया गया है, वहीं से उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टेशन प्लेटफॉर्म तक लाया जा रहा है। तो मैं सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। सर कितनी ट्रेनें आज आज गोरखपुर स्टेशन से कुल 2 ट्रेनें चलाई जाएंगी अगर यहाँ की बात करें, एक गोरखधाम एक्सप्रेस जो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चलेगी और LTT एक्सप्रेस, जबकि 4 ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से पास होकर जाएंगी, वैशाली एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसके अलावा जो 1 जून से कुल ट्रेनें चलनी हैं, जो संचालन शुरू हुआ है उसमें 5 जोड़ी गाड़ियां जानी हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन से, जो यहां से चलाई जानी हैं। टोटल 12 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं जो इस स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिनका शेड्यूल्ड स्टॉपेज यहां पे होगा, और 46 ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के किसी न किसी स्टेशन से होकर जाएंगी, पूर्वोत्तर रेलवे सिस्टम से होकर चलेंगे।